अयो मेयर, अब हम लोग बैंक का अंदर आ गए हैं जी, अब डरने का जरूरत नहीं है जी। रिलैक्स मेयर अंकल, अब आपके बैग को कोई नहीं चुरा सकता। अब तो बताइए कि इस बैग में है क्या। मेयर अंकल, आपके बैग को लेके आपने जो क्रिएट किया है उसे एक वर्ड में कहते हैं सस्पेंस। हाँ हाँ, सस्पेंस से भी ज्यादा सस्पेंस, सुपर डुपर सस्पेंस। इस सस्पेंस से मेरा पेट टेंस हो गया है, कुछ खा लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि इस बैग में है क्या। जोकर रुलाने आ गया है। गेम ऑन, एक्शन का थ्रिल, चेस का फन, कलेक्ट करो पावर्स और दिखाओ अपना दम। तो आप भी एक्सपीरियंस करें सेम और डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। अब शुरू करें चेस। अयो, गोदा पहाड़ निकली चुईया। आई मीन गुल्लक जी। मेयर अंकल, आप अपने पिगी बैंक के पैसे बैंक में जमा कराने आए हैं। कम ऑन मेयर अंकल, एक पिगी बैंक की सेफ्टी के लिए आपने हम सबको बुलाया। इन शॉर्ट, चिल्लर की सेफ्टी के लिए डॉलर का इंतजाम किया, कुछ खा लेता हूँ। डोडो, इस पिगी बैंक के अंदर जो भी चीज है वो डॉलर से भी ज्यादा कीमती है। ये देखो, उरी मोरी मदर, सोने के कंगन है यहाँ पर, वो भी हीरे जड़े हुए, कुछ खा लेता हूँ। ये ऐसे वैसे कंगन नहीं है, ये तो बहुत ही पुराने और कीमती कंगन है। पर मेयर अंकल, इतने पुराने कंगन आपके पास कहाँ से आए? ये मेरी परदादी के हैं, पायलागो परदादी। कल घर के स्टोर रूम की सफाई करते हुए मुझे पुराने बॉक्स में पड़े हुए मिले। इन्हें कोई चोरी ना कर ले, इसलिए इन्हें बैंक के सेफ्टी डिपॉजिट में रखने के लिए लाया था। ये आपने बिल्कुल ठीक किया मेयर अंकल, बैंक से ज्यादा सेफ जगह कोई हो ही नहीं सकती। हो सकती है नहीं, बल्कि हो सकती थी। क्योंकि अब मौसम किंग के राज में ना ही कोई बैंक सेफ होगा और ना ही कोई लॉकर। धूप में सब हो जाए चिल, जब आ जाए मौसम किंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर, आप है कौन? हमने आपको पहचाना नहीं। इट्स ओके, मैंने भी तुम लोगों को कहाँ पहचाना। ना तुमने पहचाना ना मैंने पहचाना, तो हो गया ना फिटनेस। अयो, तुम चाहता क्या है जी? ज्यादा कुछ नहीं, वो और वो, इन शॉर्ट पैसों के साथ सभी कीमती चीजें। और वो सब हम आपको क्यों देंगे? क्योंकि वो होगी तुम्हारी प्रोटेक्शन फीस। प्रोटेक्शन फीस? पर हमें किससे खतरा है? मुझसे। धूप में सब हो जाए चल, जब आ जाए मौसम किंग। दौड़ते घोड़े की रफ्तार को इंग्लिश में फास्ट और हिंदी में फटाफट कहते हैं। बैंक में धमकाने वालों को जो झट से भगाए उसे जासूस झटपट कहते हैं। वाह सर, क्या बात कही है, नोट पैड में नोट कर लेता हूँ। मैंने सोचा था कि सन सिटी के बर्बादी का चौका मारने से पहले तुम लोगों को शांति का एक मौका दे दूं, मगर लगता है कि तुम लोगों को बर्बादी का डेमो दिए बिना बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। धूप में सब हो जाए चिल, जब आ जाए मौसम किंग। मौसम किंग का चमत्कार आसमान से होगा बैंक पे वार। Thank you.
हाँ? इतनी जल्दी कौन से पॉपकॉर्न कैसे बन गया? अयो, अचानक इतना घर में कैसे बढ़ गया जी? इतनी गर्मी है कि चीजें अपने आप जलने लगी, ये कैसे हो सकता है? R7 की डेंजर लाइट भी ब्लिंक कर रही है, पूरा बैंक जल रहा है। हमें सबको जल्दी से बैंक से बाहर निकालना होगा। चलो सब यहाँ से जल्दी निकलो। मेरे पापा की मम्मी के कंगन, मैं उन्हें यहाँ जलने के लिए छोड़ नहीं सकता। नहीं ये रे, बैंक का बाहर चलो जी, नहीं तो कंगन का चक्कर में बैंगन का जैसा भुन जाएगा। चलो मेयर, जल्दी चलो। लगता है इस आग को बुझाने के लिए मुझे सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, हमें बैंक की इस आग को तुरंत बुझाना होगा। लगा फॉर्मूला 256। यस ब्रो, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 256। पानी से आग बुझाओगे, लेकिन जब पानी ही सूख जाएगा तब क्या तरकीब लगाओगे? धूप में सब हो जाए चिल, जब आ जाए मौसम किंग। ये पानी उबलने कैसे लगा? इको, पता नहीं लेक का पानी इतनी जल्दी कैसे सूख गया। समझ में नहीं आ रहा, ये सब हो कैसे रहा है? एक मिनट, कहीं इस सबके पीछे मौसम किंग का हाथ तो नहीं है? सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि पैर भी है। धूप में सब हो जाए चिल, जब आ जाए मौसम किंग। मौसम किंग, तुम जो कर रहे हो वो रॉन्ग है। प्लीज बैंक में लगी आग बुझा के राइट काम करो। ओके किको, जैसा तुम कहो। लो कर देता हूँ रॉन्ग से राइट। टोनी बॉस, आज तो बैंक ने भी नहा लिया, लगे हाथ आप भी नहा लो। चाहे पेट भरे हो फिर भी डोडो खाता है, लेकिन टोनी बॉस रोज नहीं नहाता है। टोनी का मुक्का हुड़ हुड़ हुक्का। किको, मैंने तो राइट कर दिया, लेकिन अब राइट करने की बारी तुम्हारी है। मतलब तुम अपनी प्रोटेक्शन फीस की बात कर रहे हो? नहीं किको, अब मुझे रुपए पैसे सोने चांदी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। इन सब मोह माया से मेरा मन उठ चुका है। तो आप चाहते क्या है? कुछ खास नहीं, मेरी तो बस छोटी छोटी विशेष हैं, जैसे कि सन सिटी पे हो मेरा राज, सर पे मेरे किंग का ताज, और सन सिटी में बने मेरी स्टैचू खास। इन शॉर्ट, तुम सन सिटी पे अपना राज चलाना चाहते हो, है ना? करेक्ट किको, यू आर वेरी स्मार्ट। वैसे पहले मैं यहाँ सिर्फ प्रोटेक्शन फीस लेने आया था, मगर जब सन सिटी को उस स्टैचू के ऊपर से देखा तो तुम्हारी सिटी मन को भा गई। वेल डन मेयर, अच्छा मेंटेन किया है सन सिटी को। थैंक यू। लेकिन अब आगे से यहाँ सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। धूप में सब हो जाए चिल, जब आ जाए मौसम किंग। सॉरी मौसम किंग, मगर किको और सुपर स्पीडो के रहते तुम्हारी ये विश कभी पूरी नहीं हो सकती। ठीक है फिर, अब देखो मौसम किंग अपनी विश पूरी करने के लिए क्या क्या कर सकता है। धूप में सब हो जाए चिल, जब आ जाए मौसम किंग। सारे के सारे मौसम आ गए हैं यहाँ पर। One word में इसे कहते हैं impossible।
इम्पॉसिबल से भी ज्यादा इम्पॉसिबल, वेरी वेरी इम्पॉसिबल। ये बदलते मौसम तब तक चलते रहेंगे जब तक तुम सब मेरे सामने अपना सर झुका के मुझे सन सिटी का किंग नहीं मान लेते। अयो, ये आदमी मौसम को कैसे कंट्रोल करते जी? ये कोई सुपर ह्यूमन है क्या? सुपर ह्यूमन जैसा कुछ नहीं होता, हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंस तो होती है। ईश मम्मी, इतने खराब मौसम में रहना मुश्किल होगा। लगता है कि हमें बचने के लिए मौसम किंग के सामने सर झुकाना ही पड़ेगा। हाँ? चीको और सुपर स्पीडो, तुम लोग भी इनके सामने सर झुका लो। मौसम किंग सच में कोई सुपर ह्यूमन लगते हैं? नहीं ट्विंकल, मौसम किंग जो कर रहा है वो रॉन्ग है। और राइट कभी रॉन्ग के सामने सर नहीं झुकाता, बल्कि फाइट करता है। डोंट वरी गाइस, अब जल्द ही यहाँ मेरी स्टैचू बनेगी, धूप में सब हो जाए चिल जब आ जाए मौसम किंग। सबने मेरे सामने अपना सर झुका दिया मगर तुम दोनों ने नहीं झुकाया। क्योंकि कीको और सुपर स्पीडो रॉन्ग के सामने कभी सर नहीं झुकाते। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन जो लोग मौसम किंग के सामने अपना सर नहीं झुकाते, मौसम किंग उन्हें उनके सर के साथ हवा में उड़ा देता है। धूप में सब हो जाए चिल जब आ जाए मौसम किंग। कीको, ये टॉर्नेडो इतनी जोरों से घूम रहा है कि मेरा सिस्टम हाई होने लगा है। सुपर स्पीडो, टॉर्नेडो के घूमने की डायरेक्शन के उल्टे घूमो और मेरे पास आने की कोशिश करो। सुपर स्पीडो, तुम ठीक तो हो ना? काफी डैमेज हुआ है, ऑटो रिपेयर होने में थोड़ा टाइम जाएगा। पूरी तरह से ठीक होते ही मौसम किंग पे अटैक करते हैं। नहीं सुपर स्पीडो, पहले मेरी सीक्रेट लैब में चलते हैं। मौसम किंग का सामना करने से पहले हमें उसके बारे में रिसर्च करनी होगी। सन सिटी के प्रोटेक्टर्स कीको और सुपर स्पीडो को मैंने ठिकाने लगा दिया है। अब सन सिटी पर सिर्फ मेरा राज होगा। मेयर, तुम मेरे लिए एक आलीशान बंगला बनवाओगे और टेम्पो अन्ना, इस जगह पे मेरा स्टैचू बनाने का काम तुम्हारे जिम्मे होगा। मेरे खाने पीने की जिम्मेदारी इन बच्चों की होगी। याद रहे, किसी से अगर कोई भी गलती हुई तो उल्टा लटका के आसमान से बिजली के झटके दूंगा। बिल्कुल ऐसे। तुम सब अपने अपने काम में लग जाओ, तब तक मैं सन सिटी का एक चक्कर लगा के आता हूँ। डोंट वरी मेयर, मुझे यकीन नहीं कि किको और सुपर स्पीडो इस मौसम किंग से जरूर निपट लेगा जी। टेम्पो नाम, तुम्हें पता है कि एक बार मैंने ऐसे ही मौसम किंग को पकड़कर इतना धोया था कि वो डर के मारे मौसम किंग से मौसम जोकर बन गया। सच्ची मेयर अंकल? और नहीं तो क्या, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे सर पर मकड़ी अपना जाला बना दे। इतना टेंशन में भी मेयर का फेकम पाकी कम नहीं होता ही। सुपर स्पीडो, आसमान से धूप, बारिश, स्नो, इन सब का गिरना मौसम के ऊपर होता है, लेकिन अगर कोई मौसम के रिसोर्सेस के साथ छेड़छाड़ करे तो वो मौसम को भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन कीको, कोई मौसम को कंट्रोल कैसे कर सकता है? वही पता लगाने तो हम यहाँ आए हैं। आई थिंक हमें एक बार सन सिटी के ऊपर मंडराते हुए मौसम के बारे में पहले जानना चाहिए। ये रही इस वक्त की सन सिटी के ऊपर की आसमान की इमेजेस। लेकिन यहाँ तो मौसम नॉर्मल लग रहा है। एक मिनट ब्रो, वो देखो, वो अजीब सी चीज क्या है, जरा जूम करो। ये कौन सी सैटेलाइट है, बड़ी अजीब दिख रही है।
इसकी इमेज कॉपी करके इंटरनेट पर डाल के चेक करता हूँ, शायद कुछ पता लग जाए। सुपर स्पीडो ये देखो, यहाँ लिखा है कि ये वेदर कंट्रोल सैटेलाइट है जिसका इन्वेंशन मौसम को कंट्रोल करके लोगों की भलाई के लिए हुआ था। मगर यहाँ लिखा है कि इसका पहला ही एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट के बाद सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अगर डिस्ट्रॉय कर दिया था तो वो सैटेलाइट यहाँ कैसे आया? अभी पता चल जाएगा। इस सैटेलाइट के इन्वेंटर के बारे में पता करता हूँ। ये तो मौसम किंग है। अब सब समझ में आ गया। पहले साइंटिस्ट पॉल ने किसी के लिए ये वेदर कंट्रोल सैटेलाइट बनाया होगा और फिर बाद में उन्होंने इस सक्सेसफुल सैटेलाइट को फेल बता के खुद हड़प लिया होगा। करेक्ट। और अब वो मौसम किंग बनके उस सैटेलाइट के जरिए मौसम को कंट्रोल कर रहा है। मगर वो उस सैटेलाइट को कंट्रोल कैसे कर रहा है, क्योंकि जब मैंने उसे स्कैन किया था तो उसके पास कोई भी कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं थी। मौसम किंग की एक अजीब सी आदत है, वो अक्सर अपने जूतों को जमीन पर टैप करते रहता है। क्या तुमने उसके शूज को कभी स्कैन किया था? शूज को स्कैन नहीं किया, मगर अब जरूर करूंगा। चलो सुपर स्पीडो, जल्दी से सबको बताते हैं कि मौसम किंग कोई सुपर ह्यूमन नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट है। इसे कहते हैं जोर का छटका धीरे से। धूप में सब हो जाए चिल जब आ जाए मौसम किंग। सुपर स्पीडो, मैं बाहर जाके मौसम किंग को बातों में उलझाता हूँ, तब तक तुम फॉर्मूला नंबर 35 यूज करके उसके शूज को स्कैन करो। गुड मॉर्निंग साइंटिस्ट पॉल। साइंटिस्ट पॉल, ओहो, तो लगता है तुमने मेरे और मेरी सैटेलाइट के बारे में सब पता कर लिया है। करेक्ट। और अब हम ये बात जाके सबको बताने वाले हैं। मुझे अफसोस है कीको कि ये विश तुम्हारी आखिरी विश होगी जो अधूरी रह जाएगी। धूप में सब हो जाए चिल जब आ जाए मौसम किंग। जल्दी चलो सुपर स्पीडो। कीको, बिजली गिरने की वजह से मेरे सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो गया है, स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम जाएगा। जल्दी करो सुपर स्पीडो, वो टोर्नेडोस हमारे पास आ रहे हैं। ब्रो, मैंने मौसम किंग के शूज को स्कैन करके पता लगाया है कि वो अपने शूज के अंदर लगे बटन से सैटेलाइट को कंट्रोल कर रहा है। Well done, Super Speedo! मगर अब हमें इनके हर बार से बचना है। धूप में सब हो जाए चिल जब आ जाए मौसम किंग। सुपर स्पीडो, इस तरह तो मौसम किंग पूरी सनसिटी को बर्बाद कर देगा। फॉर्मूला नंबर 245 लगा। ग्रेट आइडिया बारी, मौसम किंग के लिए मौसम को अब हम खराब करेंगे। अब ऐसा बदला दूंगा, बदलते मौसम की तरह कीको और सुपर स्पीडो को बदल दूंगा। सुपर स्पीडो, लगता है हमें इस मौसम से होने वाली तबाही को रोकने के लिए उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। लगाओ फॉर्मूला नंबर 38। ओके डूड, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 38। धूप में सब हो जाए चिल जब आ जाए मौसम किंग। लगता है अब हमें अलग अलग काम करना होगा। मैं जाके मौसम किंग को उलझाता हूँ ताकि उसे अपने शूज में छुपे सैटेलाइट रिमोट को ऑपरेट करने का मौका ही ना मिले, और तब तक तुम स्पेस में जाके उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 59। ओके कीको, अभी इस बर्फ को पिघलाता हूँ। जोका
गेम ऑन। एक्शन का थ्रिल, चेस का फन, कलेक्ट करो पावर्स और दिखाओ अपना दम। तो आप भी एक्सपीरियंस करें सेव और डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। अब शुरू करें चेस। किको, मैं सैटेलाइट के काफी नजदीक पहुंच गया हूँ। गुड वर्क सुपर स्पीडो, सही टाइम पे फॉर्मूला नंबर 58 लगा के सैटेलाइट डिस्ट्रॉय कर दो। ओके, तो ये प्लान था तुम दोनों का, मुझे फाइट में उछा के मेरी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। मगर बच्चों, तुम्हारा पाला पड़ा है मौसम किंग से, जो कि एक ही वक्त पे एक साथ दो काम कर सकता है। धूप में सब हो जाए चिल, जब आ जाए मौसम किंग। बिजली के झटके मुझे सैटेलाइट तक पहुंचने नहीं दे रहे। मौसम किंग अब भी उस सैटेलाइट को ऑपरेट कर रहा है। अब लगता है मुझे अपनी ओ किक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आसमान में नाचते धूमकेतु ने तारे से दोस्ती करके सूरज को ठेंगा दिखा दिया। मतलब सर, पहले मैं कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। भाई वाह, किको और सुपर स्पीडो, तुम दोनों ने इस बार भी कमाल करके दिखा दिया। हम लोग तो उस ढोंगी को सचमुच का सुपर ह्यूमन समझ रहे थे, पर तुमने हमारी आंखें खोल दी। यू आर राइट किको, इस दुनिया में हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंस जरूर होती है।